हाँ देखो बेटा, टाइम कैलकुलेशन है, कई बार ये पूछ सकता है, इसमें कम पूछता है वैसे एसी में, कि मीन पोजीशन पहले जीरो वैल्यू थी तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी देर में हो जाएगी, मैक्सिमम की आधी वैल्यू कितनी देर में हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जिसको ये नहीं आता है ना, इसने एसएचएम नहीं पढ़ी है, नहीं तो एसएचएम वीडियोस का जो लेक्चर नंबर 9 है उसमें मैंने एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर रखा हूँ। ठीक है ना, एसएचएम एज कंपेरिजन टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, ये लेक्चर नंबर 9 है एसएचएम पार्ट 1 का। ठीक है, तो अगर आप अभी निकाल टाइम है तो आप देख सकते हैं, या थोड़ा बहुत आपका एसएचएम देखा हुआ है तो आपको फटाफट रिकॉल हो जाए, नहीं तो एसएचएम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पूरा। अभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, कि आपका इसमें आप अभी आपको निकालना है तो आप उससे निकाल लीजिए जितना भी निकाल पाए, I0 sin ωt। ठीक है ना, तो अगर I0/2 वैल्यू कितनी देर में हो जाएगी तो आप यहाँ से टाइम लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि है ना साइन का फंक्शन ही तो है इस तरह, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं कि 0 से a/2 तक टाइम कैसे निकाल सकता हूँ, पीक वैल्यू थी आधी वैल्यू होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये सब चीजें इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंपैरिजन से फटाफट निकल जाती है। मैं अभी यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अभी इस चैप्टर में इसकी नहीं, कभी कभार क्वेश्चन एक आ जाते हैं। ठीक है, कि t=0 पर वैल्यू I0/2 थी तो बताओ I0/√2 कितनी देर में हो जाएगी, 0 वैल्यू थी मैक्सिमम कितनी देर में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उन सब के लिए आपको एक सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके ये चीज बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, अभी तो आप इतना ध्यान रख लो कि देखो 0 वैल्यू थी आपकी। ठीक है ना, इस तरह से मान लो ये 0 वैल्यू थी तो फिर इस पे पीक वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड का 4/1/4। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक t/4 और फिर पीक वैल्यू से 0 वैल्यू आने में कितना टाइम लगेगा, t/2। ठीक है, तो सर 0 से स्टार्ट करके आधे ऑसिलेशन में t/2 टाइम लग रहा है, जब एक बार 0 से I max पर पहुंचेगा, I0 पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा, t/4। टी क्या है यहाँ पर, 2π/ω। अभी बस इतना ध्यान रख। ठीक है, तो बाकी जब आप एसएचएम करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता पड़ जाएगा कि कैसे हम वैल्यूज देखते हैं, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू। बार बार हम साइन की इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, एक सर्कल होता है उससे θ=ωt से कंपेयर करके सब कुछ निकल जाता है। तो बहुत आसान प्रोसेस है, कोई टफ चीज नहीं है, बट इसके बिना अगर आप थोड़ा आपको आगे के लेक्चर में दिखता तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कभी कभार किसी क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम निकालने का बहुत आसान तरीका ये है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एसएचएम में क्लियर हो जाएगा, अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो कर ही लेगा। ठीक है, क्लियर है, अभी आगे मैं इसका यूज करूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। ठीक है, ओके बेटा।